अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. तो गाइज, आज है वेंसडे एंड आज है घर में दुआ, बट वो है दोपहर के टाइम. फॉर नाउ हम सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया, मम्मा पापा भी रेडी हो गए, मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ एंड वी आर गोइंग ऑफ टू लाल कुर्ती, क्योंकि हम लोगों ने मनाहल की जो देने वाली बास्केट्स है निकाह वाले दिन, वो सारी डेकोर करवानी है एंड उसके ऊपर की जो छोटी मोटी लवाजमात है, जिस तरह फ्लावर्स एंड नेट वगैरह, वो हम पहले ही ले आए थे एंड वो मैं आपको बास्केट्स भी दिखाती हूँ. अगर आपने मेरा ये वाली वीडियो देखी है जहाँ पे हम लोग चाइना मार्केट गए थे और हम लोगों ने बास्केट्स वगैरह ली थी, तो यस, ये सारा सामान हमने तब लिया था एंड मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँगी, एक एक चीज़ की डिटेल में जाऊँगी. फॉर नाउ हम ये करते हैं कि गिफ्ट्स वगैरह सब उठा के नीचे लेकर जाते हैं, गाड़ी में रखते हैं. असल में बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं तो हम खुद ही चले जाते हैं पहले नीचे एंड यस, दिस इज़ इट फॉर नाउ, सो लेट्स गो. तो ये सारी, ये बास्केट है, ये वो नेट एंड दिस इज़ वन ऑफ द गिफ्ट पैक, ये मनाहल नीचे लेकर जा रही है. ओके बाय. मनाहल के निकाह की कुछ चीज़ें वो खुद ही कर रही है. वाओ, व्हाट अ ब्राइड. ड्राइविंग सीट जो है वो पापा ने संभाल ली है, मेरी जो है वो छुटकारा हो गया मुझे थोड़े टाइम के लिए. आई मैक प्लीज फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम. आगे फ्लावर शॉप तो जी जी मजबूती है दादा. हाँ बट ये लाइक वो है ना, ये वाली मनाहल को चाहिए नहीं थी. ठीक है, बाकी वो उसका मैं सोचूं, ये वाली जो नहीं होती जो मतलब डिस्पोजेबल टाइप की होती है, इससे हम लोग वो करें. ठीक है, चलो मैं निकालता हूँ गाड़ी में से. वो जरा आपकी हमने यहीं से करवाई थी भाई, आपको वो दिखा देंगे डिज़ाइन. पक्की बात है? जी जी. ये इस तरह आ गया और क्या. सो वी हैड एवरीथिंग लाइक फ्लावर्स वगैरह, उसके ऊपर के जो गोल्डन फ्लावर्स होते हैं वो, इवन वी बॉट दिस जो कि आपके रैपिंग के बीच बीच में जो आता है ना, वो भी लाइक वी टुक एवरीथिंग बिफोर और बस यहाँ पे ना भी सब रैपिंग के लिए भी प्रॉफिट, तो वो रैप हो रहे हैं आपको साथ साथ दिखा. ये जो फ्लावर्स इन फेक फ्लावर्स की मैं बात कर रही थी. अच्छा, सो इट डिडंट एक्चुअली टर्न आउट जिस तरह हमें चाहिए ये चीज़ें. इट टर्न्स आउट कि इन लोगों को नहीं आती हाउ टू रैप बास्केट्स, बट आई क्लियरली रिमेम्बर यहीं से हम लोगों ने जरा आपकी भी करवाई थी, बट आई थिंक वो बास्केट छोटी थी इसीलिए दे वर एबल टू डू. तो अभी ऑन हाउ दे नो बास्केट ऑल दो फ्लावर्स वाली शॉप में इनको पता होती है, बट देखते हैं एक और दो जगह, एक और देखते हैं मम्मा के यहाँ पर पता करवाते हैं, उसके बाद हमें सब कुछ कर लेंगे. तो मम्मा हैज़ फाउंड अनदर प्लेस बास्केट के लिए, उन्होंने एक और जगह से पता है कि उनके पास देखते हैं कि उनसे मिल सकती है. तो बट वो कह तो रहे हैं कि उनको आती है बनाना, जिस तरह वो भी कह रहे थे. तो अभी चलते हैं. एक तो डिज़ास्टर हो गया, मुझे लॉक कर दिया, मुझे लॉक कर दिया. बास्केट जो हैंडल्स है ना वो हैवी है ना, बिकॉज बर्डन बहुत ज़्यादा है बास्केट के ऊपर, बॉक्सेस बड़े बड़े हैं, दे क्वाइट हैवी. तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा उसके हैंडल्स को टाइट कर देंगे, ग्लीशन वगैरह लगा के वो टाइट हो जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी कर दे लुक प्रो, बट लेट्स यू सी कि हाउ इट कम्स आउट. भेज जाके उसको पता हो कि कैसी लगे, बिकॉज शी इज़ अ लिटिल पिकी.
बट स्टिल इट्स क्वाइट नॉट क्वाइट बट फार बेटर देन द वन जहाँ हम लोग पहले गए थे. बास्केट नंबर वन इज डन एंड तीन और रहती हैं जिसमें घर जाके बताऊँगी कौन कौन सी. सो वो वाली जो बास्केट थी ना उनकी जो नेट है वो थोड़ा कम पड़ गई थी, यहाँ पे हम और नेट लेने के लिए आए. हाँ ठीक है, तो ये वाली थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी वाइट में, वो बाकी सारे तो होल्ड ही लगा हुआ. A few moments later. Okay, so as I'm home, तो मैं आपको दिखाती हूँ baskets. Although बहुत अच्छी उन्होंने डेकोर किया but he cost a lot. मतलब this all cost a lot. In a sense कि like चीज़ें भी हमारी थी, net भी हमारी थी, but I don't know उसने इतना क्यों charge किया, which is why I'm a little disappointed. But खैर कोई बात नहीं, शादी के दिनों में होते हैं ऐसे खर्चे. So I'll just show you all. तो दिस इज़ अंकल आंटी की बास्केट. देन दिस आपको इस तरह दिखाती हूँ. दिस इज़ मेरे बहनोई की बास्केट नंबर वन, नंबर टू एंड ये वाली उनकी सिस्टर की है. तो ये फ्लावर्स वगैरह ये सारा कुछ ना ऊपर, ये गोल्डन फ्लावर्स एंड नेट वगैरह लुक्स रियली रियली प्रिटी. सो दिस इज़ इट. अच्छा, तो मैंने मेहंदी ऑनलाइन ऑर्डर की थी क्योंकि उनकी टिप्स काफ़ी छोटी होती हैं, तो वो नीचे आ गई, वो जाके पिक कर लेते हैं. फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का काम भी करना है. One hour later. Okay guys, so I am off to university. And असल में गाड़ी जो है ना वो घर पे चाहिए सबको, मैंने ग्रॉसरी वगैरह के लिए जाना है, इसीलिए मेरे चाचू छोड़ के आने वाले हैं अभी वो. एंड अभी वो मेरे लिए लेस लेने गए हैं बिकॉज मुझे भूख लग रही है, सुबह से मैंने नाश्ता किया है. सो यस, दिस इज इट फॉर नाउ. आज मुझे यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो देखते हैं क्या. One eternity later. तो गाइज, ढोलकी के बाद सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, सबको बास्केट्स भी बहुत पसंद आई थी. एंड यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ. आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. प्लीज़ बने रहना बिकॉज आगे के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा मज़े के हैं. अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.